अस्सलाम वालेकुम, एक नई वीडियो में वेलकम ऑल ऑफ यू वंस अगेन। और दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही अहम होने वाली है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में बीए में क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको लेना चाहिए, जो कि आपको आगे आपका जो करियर आएगा उसमें आपको हेल्प करें। मैं आपको इन डिटेल बताऊंगा कि किस सब्जेक्ट से आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं और क्या क्या ऑप्शन आपके लिए मौजूद रहेंगे। इन सब चीज़ों को मैं इस वीडियो में डिटेल डिस्कस करूंगा, तो आप रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़रूर देखें पूरा, क्योंकि बहुत ही अहम टॉपिक है ये। बहुत बार बच्चों को पता नहीं होता, वो कंफ्यूज रहते हैं कि क्या सब्जेक्ट लें, और कई बार अपने आसपास दोस्तों की राय या जिनको पता नहीं होता है उनकी राय मतलब दोस्त मान लेते हैं और फिर लगता है यार मैंने क्या ले लिया। अगर अलग बात है, ऑप्शन उनके पास होता है चेंज करने, लेकिन कई बार जो साइड के सब्जेक्ट होते हैं वो भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो इस वीडियो में आपको पता सब चल जाएगा, मुझे पूरी उम्मीद है। आप पहली बार आए वीडियो में तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, पसंद आए वीडियो लाइक कर दें, इसको दोस्तों के साथ भी शेयर कर लें, क्योंकि वो भी बीए का एग्जाम शायद देके आए होंगे और उनको भी पता चल जाएगा कि क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लें और उनके लिए क्या कहाँ पर वो हेल्प आगे जाके करेंगे उनको। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपके बात करता हूँ जो बीए में सबसे ज़्यादा जो सब्जेक्ट की जो डिमांड रहती है वो कौन कौन से होते हैं। यहाँ पर एमयू में उसमें आपको मिलेगा इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी टू सम एक्सटेंट, ये आपको, और पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी। ये जो है पांच छह सब्जेक्ट जो है काफ़ी ज़्यादा। मैथमेटिक्स में भी ये होता है, लेकिन मैं समझता नहीं कि बच्चे ज़्यादा लेते होंगे उसमें, लेकिन बाहर वो भी एक ऑप्शन है, वो भी अगर है तो ज़्यादा डिमांड में नहीं होता, क्योंकि बी ए में ज़्यादातर वही बच्चे आते हैं जो कि ट्वेल्थ में पर आर्ट्स होती है। ये साइंस वाले भी आ सकते हैं, लेकिन उनको फिर चाहिए होता है आगे सिविल, तो वो फिर और सब्जेक्ट लेते हैं, मैथमेटिक्स वगैरह वो नहीं जाते। तो मेनली बच्चे आर्ट्स वाले होते हैं ट्वेल्थ में, तो वो मैथमेटिक्स ले जाते हैं, उनके लिए कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। खैर, ऑप्शन है। दोस्तों, आप पहले ये सोच लें, अभी आप लेंगे एडमिशन, मे बी एक महीने में आपका एडमिशन हो जाएगा जो क्वालिफाई करेंगे, कि आपको आगे जाना किधर है। अगर आपको एमबीए में जाना है, अगर आपको फाइनेंस में जाना है, मेनली आपका वही है कि आपको प्राइवेट सेक्टर में जॉब करनी है, या बाहर जाके आपको एमबीए करना है, या MBA इन मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना है, तो आप ये सब्जेक्ट क्या लें आप? तो दोस्तों, मेरी आपकी राय होगी कि आप मेन रखें मतलब इकोनॉमिक्स, और उसके साइड में जो है एक ले लें आप स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि वो आपको आगे जाके हेल्प करेगा थोड़ा, क्योंकि पार्ट उसमें मतलब मैथ का पार्ट भी होता है, तो वो आपको हेल्प करेगा। और आप ले लें साइड में उसकी इंग्लिश, मतलब इंग्लिश एज योर सब्सिट्यूट सब्जेक्ट, तो आपको ये जरूर हेल्प करेगा, क्योंकि ये आपको आगे जाके जो भी जितनी भी जीके आती है उसमें एमबीए में या एमबीए इन मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, तो अच्छी खासी जीके जो होती है ना वो मतलब इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होती है, तो वो आपको यहाँ पढ़ते हुए जाएंगे, तो आपका वो जो है कम हो जाएगा, और आप टेस्ट में एक पार्ट आपका ऑटोमेटिक मतलब ऑटोमेटिकली वो कवर हो जाएगा। तो इंग्लिश का दोस्तों मैं बताऊँ आपको, इंग्लिश जो है आप पढ़ेंगे लिटरेचर, ग्रामर तो आप पढ़ेंगे नहीं, ग्रामर पढ़ेंगे आप कंपल्सरी इंग्लिश में, वहाँ वो आपको हेल्प करेगी, लेकिन जो लिटरेचर आप पढ़ेंगे वहाँ से आपकी इंग्लिश थोड़ी मजबूत हो जाएगी, क्योंकि पढ़ते रहेंगे समझ में आपको आने लगेगा क्या लिखा गया है, तो आपको फायदा वहाँ से मिल जाएगा मेनली इंग्लिश। दोस्तों, ये हुआ एमबीए वालों के लिए, जिनको मेनली एमबीए करना है, उनके अभी से ये माइंड में है कि मुझे एमबीए करके आगे जाके जॉब करनी है, या मुझे अपना बिजनेस है मेरा या उनकी फैमिली का बिजनेस है उसको आगे बढ़ाना, तो एमबीए बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। दोस्तों, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पहले से दिमाग में लिए बैठे होते हैं कि वो उनको जाना है सिविल में या गवर्नमेंट जॉब में जाना है, आपका ग्रेजुएशन मतलब नॉन टीचिंग की बात कर रहा हूँ, जो जहाँ टीचिंग इन्वॉल्व नहीं है, तो वो दोस्तों सब्जेक्ट ले सकते हैं। मेन रखें दोस्तों कि कई सारे लोग जो सिविल में जाते हैं उनके सब्जेक्ट आपको मिलेगा हिस्ट्री मिलेगा, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, तो आप इनमें से एक को मेन रख लें किसी को भी जहां पर आपका एडमिशन मिल जाता है, बाकी दो सब्जेक्ट आप सब्सिडी ले लें, साइड में आपको मिल जाएगी मतलब इंग्लिश क्योंकि कंपल्सरी होती है, वो आपको हेल्प करेगी वहां पर और आपको वहां से फायदा मिल जाएगा, क्योंकि जो गवर्नमेंट जॉब होती है ना, जो टेस्ट होता है वहाँ का मेजर पार्ट जो होता है, चाहे वो जीएस किसी का भी ले लें आप, चाहे यूपीपीएससी ले लें, स्टेट सिविल ले लें, या आप मतलब यूनियन सिविल ले लें सर्विस, वहाँ पर आपको जीएस ही बहुत मेन होता है, और इन तीन सब्जेक्ट से अच्छा खासे सवाल जो है वहाँ पर आपको मिल जाते हैं, तो अगर आप यहाँ इनको पढ़ते हुए जाने लगता है तो आपका एक तरह से बर्डन जो है बड़ा कम हो जाएगा, जब आप टेस्ट की तैयारी आप मतलब करेंगे, आप अच्छे से पढ़ के जाते हैं, तो नहीं पढ़ेंगे तो फिर आपको दोबारा से पढ़ना पड़ेगा, फिर कोई ऑप्शन उसके अलावा और है नहीं। तो ये दोस्तों उनके लिए बात हुई। इन सब्जेक्ट को लेके आपको एक फायदा और भी है कि अगर आप इनमें से किसी में बीएड कर लेते हैं, क्योंकि ये सब सब्जेक्ट जो है ना, ये सब स्कूल लेवल के आपके सब्जेक्ट मिल जाएंगे आपको,
जो आपको मतलब ज्योग्राफी आपको स्कूल में पढ़ाया जाता है, और चाहे वो प्राइवेट चाहे मेरे स्कूल हो चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो, ठीक है, हर जगह आपको बीएड की बीएड ये सब्जेक्ट आपको मिलेंगे, और आप बीएड करके आपको एक अच्छा ऑप्शन मिल सकता है चाहे अच्छे प्राइवेट स्कूल में जहाँ पर आपको सैलरी 25,000 मिल जाती है, वहां भी आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाने का मौका मिल जाएगा, बीएड में आपको पूरा पूरा चांस यहाँ से आपको मिलेगा। तो ये दोस्तों हुआ इनके बारे में। दोस्तों कुछ सब्जेक्ट यहाँ पर आपके ऐसे होते हैं बीए में जो कि स्कूल लेवल पर नहीं पढ़ाए जाते हैं, जो कि जैसे आपका साइकोलॉजी है, जैसे आपका लिंग्विस्टिक्स है, जैसे आपका पर्शियन है और आपका अरेबिक है। अब पर्शियन और अरेबिक में क्यों कह रहा हूँ, एएमयू की बात नहीं कर रहा मैं, यहाँ के स्कूल की बात नहीं कर रहा हूँ, इंडिया में जो पूरे स्कूल है वहां पर हर जगह आपको हर स्कूल लेवल पे अरेबिक और पर्शियन नहीं पढ़ाई जाती है, कुछ ही जगह आपको मिलेगी। तो वहां पर अगर आप कर लेते हैं तो वहां से बीएड का ऑप्शन जो है बड़ा कम मिलेगा, और आप चाहेंगे अलीगढ़ में तो हर बंदे को यहाँ जॉब तो मिल जाएगी यार। कुछ ही स्कूल्स हैं जो कि स्कूल लेवल पे उनके पर्शियन और अरेबिक पढ़ाई जाती होगी, और गवर्नमेंट जितनी भी आप देखा होगा प्राइमरी है या अपर प्राइमरी है या गवर्नमेंट इंटर कॉलेज है वहां पर आपको अरेबिक बहुत ही मेरे ख्याल से नहीं पढ़ाई जाती है या बहुत ही कम होगा होगा। तो यहाँ से आपको जो है स्कूल टीचिंग में चांसेस जो है इतने नहीं मिलेंगे, या आप चाहें तो मदरसे पढ़ा लीजिए, लेकिन वहां भी मतलब हजारों बच्चे निकल के आते होंगे इंडिया में, और कुछ एक सीट्स होती हैं तो वहां कॉम्पिटिशन जो है बहुत ज्यादा टफ होता होगा। प्राइवेट सेक्टर में अगर आप जाना चाहें तो आपको वहाँ ट्रांसलेटर जो आपके ट्रांसलेटर होते हैं वहां पर आपको मौका इससे जरूर मिल सकता है अरेबिक और पर्शियन सीखने के बाद, लेकिन एक उसकी एक शर्त होती है, आपको लैंग्वेज बोलना आनी चाहिए। आपका ग्रेजुएशन पासिंग से काम भी चलेगा, क्या पास करके डिग्री आ गई मेरे पास मुझे आप जॉब दे दो, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में उसको चाहिए काम, वो आपकी डिग्री से मतलब नहीं है, पूछेगा आपको बोलना आती है अरेबिक, अगर आएगी तो आपको मौका मिल जाएगा, टूरिज्म इंडस्ट्री में आपको मौका मिल सकता है, और प्लस जो ट्रांसलेटर की जॉब होती है वहां पर आपको मौका मिल सकता है एज अ फॉरेन लैंग्वेज एक्सपर्ट, चाहे पर्शियन चाहे वो आपकी अरेबिक हो, लेकिन स्कूल लेवल पे आप अगर बात करूं तो मौका जो है इसमें कम है, ज्यादा मौका नहीं। हिंदी दोस्तों एक सब्जेक्ट है हिंदी का, ये है कि अगर आप यहाँ स्कूल मिल जाएगा आपको प्राइवेट सेक्टर में, हर जगह हिंदी पढ़ाई जाती है, तो हिंदी से तो फिर भी ये बेहतर हिंदी और उर्दू जो है वो आपको मिल जाएंगी दोनों, और आप उसमें जाके बी एड भी करके आपको मौका मिल जाएगा, टीजीटी है पीजीटी है या प्राइमरी वगैरह सब इन सब जगह आपको मौका मिल जाएगा उस उन जो सब्जेक्ट हैं उसके लिए। तो आपके लेकिन इसमें जो है बाहर प्राइवेट सेक्टर के में नौकरी कम है इसके अंदर, मतलब नॉन टीचिंग की बात करूँ, टीचिंग में तो हर स्कूल में पढ़ाई जाती है, आपको मौका मिलेगा बी एड करके, आप किसी भी जो इंडिया के अच्छे अच्छे जो भी सीबीएसई बोर्ड के स्कूल्स होते हैं वहां पर आपको एक डिसेंट सैलरी पे जॉब टीचिंग की मिल सकती है, और आपको टीचिंग करनी है तो वो तो ये सब्जेक्ट हो गए, मैंने बताया आपको इनके ऑप्शन से, आप चाहें तो इनको सिविल में भी आगे ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन उर्दू का आपको जीएस से कोई पार्ट नहीं मिलेगा, वो आपको मेन में काम आएगी। जीएस में आपको बताया ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री, ये आपको जीएस में काम करेगा, आपके मेन में काम करेगा, तो ये बहुत ज्यादा आपको हेल्प करेगा, ठीक है। उर्दू पर्शियन ये आपका इंग्लिश इससे कोई वास्ता नहीं है आपका, ना प्री से वास्ता है, मेन में अगर आप मेन सब्जेक्ट लें तो वास्ता है, वरना इनका वास्ता 20 नंबर का आता था यार, वो भी अब कम कर दिया, वो भी नंबर काउंट नहीं होते इंग्लिश के, तो ये या फिर आप चाहें तो इनमें आगे आप अरेबिक में पर्शियन पीएचडी करें, या आप साइकोलॉजी पीएचडी करें, आप लिंग्विस्टिक सब्जेक्ट है उस पीएचडी करें, तो आप किसी मतलब स्टेट वाली यूनिवर्सिटी या जो भी टीचिंग है आपकी मतलब लेक्चरशिप वहां जाए आप, लेकिन स्कूल लेवल पे इनका चांस बहुत ज्यादा कम है, वो है लिंग्विस्टिक्स है, ठीक है, साइकोलॉजी है, और आप बात करें मतलब वैसेशियन है स्टडीज में, आपको बीए होता है हमारे यहाँ एमयू में, उसके अलावा जो है आपका सब्जेक्ट है ये और भी मतलब मॉडर्न लैंग्वेज हैं, इनमें भी बीए होता है, ठीक है, साइकोलॉजी में मैंने आपको बताया, तो इनमें आपको फिर आगे जाके नेट करें, एमए करें, नेट करें, प्रैक्टिस करें अपनी किसी के अंदर बैठ के, वो एक चांस है आपके पास खासतौर से साइकोलॉजी के अंदर, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट्स जो हैं आपको मौका देंगे, लेकिन स्कूल लेवल पर नहीं दे पाएंगे, ना प्राइवेट सेक्टर में इतना इनकी वो है, आपको फिर जाके पीएचडी के अंदर डालना पड़ेगी, और फिर आप कोई भी सेंट्रल स्टेट लेवल की यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ाने को आपको मौका मिल सकता है। दोस्तों एक सब्जेक्ट और है जो हाईली अंडर रेटेड है, हाईली, और खास तौर से छोटे शहरों में, छोटे शहरों में क्या यार, बहुत शहरों में बहुत कमी लोग मैं हर समय उसको तवज्जो देते होंगे, उसका नाम है फिलोसफी। मैंने उसके बारे में बात नहीं की, मैं बताऊंगा आपको फिलोसफी के बारे में। फिलोसफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर सब्जेक्ट की रूट है, लेकिन लोग जाते नहीं है उस तरफ, ठीक है, वो आपको सिखाती है कैसे सोचा जाए, हाउ टू थिंक प्रॉपरली, हाउ टू थिंक एंड मतलब व्हाट टू थिंक, ये क्या सोचे कैसे सोचे,
वहां पर आपको डिटेल्ड आपके दिमाग की काफी ज्यादा एक्सरसाइज होती है, तो आपको सोचना आता है वहां पर। जब आप सोच पाओगे प्रॉपरली, दिमाग आपका काम करेगा, आपको समझ में चीजें आने लगेंगी, जब आप खुद ब खुद आपके लाइफ में चीजें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी, फिर आप काफी सारे रास्ते बनाना शुरू कर दोगे। अभी तो क्या होगा, आप रास्ते में चलोगे बंधे हुए रास्ते, लेकिन जब आपको पता होता है कि कैसे सोचें और क्या करना है मुझे, जब आपके पास आपका खुद का दिमाग आने लगेगा, लेकिन वो इतना आसान नहीं होता है। तो आप आपके आप खुद रास्ते अपने बनाना शुरू आप कर देंगे, चाहे आपने कुछ भी पढ़ा हो, लेकिन बात ये होती है हमें सोचना भी आता है। तो फिलोसफी को आप वहां से आपको ये मिल जाएगा। तो हर सब्जेक्ट की रूट, चाहे वो साइंसेज हो, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे वो आर्ट्स हो, चाहे वो मतलब सोशल साइंस हो, हर सब्जेक्ट की रूट क्या है फिलोसफी, वहां से स्टार्ट होती है। फिर आगे आके आप उनका एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं, फिर उनको प्रूफ करते हैं। तो बात की बात, साइंस बाद में आएगी, फिलोसफी पहले आती है। इसको जरूर ध्यान रखें। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप कोई भी दो सब्जेक्ट ले लें, आप कॉम्बिनेशन लेके आप, लेकिन एक सब्जेक्ट जरूर आप फिलोसफी लें। मेरी राय है आपको, बाकी मर्जी आपकी, आप जो चाहें वो लें। तो ये मैंने बात की, एक सब्जेक्ट और रह गया जो फेमस है, वो है इंग्लिश। इंग्लिश दोस्तों, इंग्लिश का भी फायदा है, लेकिन बात यह है कि लिटरेचर आपको इतना फायदा नहीं देगा यार, वो तो आपको नॉवल वगैरह आप पढ़ाएंगे आपको पहले के, लेकिन अलग दिमाग वहां से भी आपको कुछ ठोस वहां से मिलती है, लेकिन वो आपको एटलीस्ट मास फॉर्म में जरूर हेल्प करेगा। और फिर जो आगे और जहां जहां इंग्लिश आती कॉम्पिटिशन में, वहां वो आपको जरूर हेल्प करेगा। लेकिन वही बात है, ग्रामर वाले पार्ट में उनके ग्रामर होगी नहीं, वहां आपकी पोएट्री होगी, क्योंकि ग्रामर वाला पार्ट है वो कंपल्सरी इंग्लिश में आपका आ जाएगा, जो कि सब पढ़ते हैं। तो वो आपका एज सच कहीं किसी खास फील्ड में काम नहीं करेगा, लेकिन हाँ ये है कि मास कम्युनिकेशन में अगर आप इंग्लिश जर्नलिज्म में आप जाना चाहते हैं, तो वहां पर आपको मौका मिल जाएगा, या क्योंकि इंग्लिश एक हर जगह एक आपकी रिक्वायरमेंट है, तो वो जरूर आपकी हेल्प करेगा। अगर आपको जाना है किसी कॉल सेंटर में जॉब करनी है आपकी ग्रेजुएशन, तो वहां आपको इंग्लिश अगर आपको आती होगी, तो आप 25,000 रुपये नौकरी वहां से भी आप कर सकते हैं। तो ये दोस्तों ये भी एक आपके पास रास्ता है। तो शायद आप उसके साइड में दो सब्जेक्ट और को भी ले लें, आप जो भी आपको अच्छा लगे, अगर आपको मेन ही जाना है। तो ये कुछ सब्जेक्ट मैंने आपको बताए, बीए में आप जब जाएं लेने एडमिशन, तो जरूर इस बारे में सोच लें कि मुझे क्या लेना है, मुझे कहाँ जाना है। मैंने आपको बताया कि कहाँ कहाँ आप जा सकते हैं। दादा अभी और भी ऑप्शन हैं, लेकिन सारा वीडियो में आपने डिस्कस नहीं करूंगा, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं उसको शॉर्ट रखा। मैंने आपको इन शॉर्ट बताया, अगर आपको डाउट हो, कोई मेरा कन्फ्यूजन हो, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर होगा, है नीचे दिया होगा, उसमें आप मुझे या मैं दे दूंगा, तो आप उस पर मुझे कॉन्टैक्ट जरूर कर सकते हैं, और अपने जो भी आपके डाउट्स हैं मुझसे वहां पर आप पूछ सकते हैं, मैं आपको पूरी हेल्प करने की कोशिश मैं करूंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, इसको जरूर इस वीडियो को आगे पहुँचा दें आप और लोगों तक, जैसे कि उनकी भी हेल्प हो जाए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मैं बताऊँ आपसे अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।